दोस्तों, मैं पंकज धवानिया। आज संडे संडे कमेंट बॉक्स में संडे कमेंट बॉक्स में आपके कुछ कमेंट लिए हैं और देखते हैं हमारे किस किस सब्सक्राइबर का कमेंट आता है। और जिस सब्सक्राइबर ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा उसका कमेंट हम अगली बार से नहीं लेंगे। तो आप ज़्यादातर सब्सक्राइब करें, जो भी ज़्यादा उनका कमेंट हम ले सकते हैं फिर कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। आओ देखते हैं किस किस व्यूवर के हमारे कमेंट हैं। ये हमारे पहले व्यूवर हैं सुशील नायक। सर, कहाँ से करंट निकलता है, फील्ड या आर्मेचर से? सर, मैंने कितनी वीडियो में आपको बता रखा है कि आर्मेचर से करंट निकलता है। आर्मेचर करंट नहीं देगा तो आपका जनरेटर वोल्टेज नहीं बनाएगा। ये अगले व्यूवर हैं तेजस कुलावकर। सर, इंजन के आरपीएम कैसे चेक करते हैं? सर, हम इंजन के आरपीएम, आपका अल्टरनेटर लग रहा है तो आप फ्रिक्वेंसी मीटर लगा के आरपीएम चेक कर सकते हो, या आप अपना आरपीएम आरपीएम मीटर आता हो उससे भी चेक कर सकते हो। ये अगले व्यूवर हमारे टेक्निकल सिंह। अच्छी तरह से फिट करना सीख लो पहले। सर, मेरे को अच्छी तरह से फिट करना आता है, पर मैं इसमें आपको फॉल्ट बता रहा था कि क्रैंक ऊपर की तरफ होनी चाहिए और जो कुछ हमारे दोस्त हैं वो नीचे की तरफ होनी चाहिए क्रैंक और ऊपर की तरफ कर देते हैं तो क्रैंक फंस जाती है। तो ये मैं आपको बता रहा था और आप कुछ भी समझ सकते हो। और आदमी को हमेशा सीखने की ज़रूरत पड़ती है, पूरी ज़िंदगी सीखता रहता है वो। ये अगले व्यूवर हमारे इमरान। स्पेयर हाउस पिंचर। सर, ट्रैक्टर के इंजेक्टर लगा सकते हैं क्या इंजन 12 HP में? सर, आप लगा सकते हो और लगा कर ट्राई करो, हमें बताओ क्या रिजल्ट आता है, कितना तेल खाता है। ये अगले व्यूवर हमारे अमित कुटेला। भाई, 15 HP मोटर के लिए मुझे भी चाहिए जो कम तेल लेता हो, प्लीज। नोटिफिकेशन में सर, आपका जो टाटा का सेट है उसमें आप टाटा का इंजन लेते हो, जो टाटा का उसमें सेट इंजन लगा रहता है वो तेल काफ़ी बढ़िया खाता है, कम खाता है, वो लगा सकते हो आप। ये अगले व्यूवर हमारे जयंता कलीटा। मेरा एक इंजन है 20 HP, इसका हेड से पानी निकलता है, उसके उपाय बताएं। सर, जो आपका हेड है वो आपका सीट नीचे बैठी होगी जो कट जाता है, तो आप उसे फेस करवाओ, हेड को और अपना व्लॉक को दोनों को फेस करवा के फिर उसे फिटिंग करो। और जो स्टड हैं जो स्लिप हो रहे हों तो उनमें ओवरसाइज की चूड़ी काटें जिससे कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये अगले व्यूवर है हमारे जसवंत पटेल। सर, डायोड का रेजिस्टेंस कितना रहना चाहिए, वीडियो बनाओ। एक डायोड 406 ओम और एक 132 चलेगा क्या? सर, आप अपना जो नया डायोड ले रहे हो उसका रेजिस्टेंस चेक करो कितना है, उसके हिसाब से आप करो और बाकी मैं एक वीडियो इसके लिए एक बना दूंगा जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये अगले व्यूवर हैं पवन गुप्ता। चार्ज कैसे होता है? सर, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, कुछ ना समझ में आए तो दोबारा कमेंट करें, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ये अगले व्यूवर हमारे मोहम्मद सलमान। 7.5 KVA अल्टरनेटर कौन सा अच्छा है लोड लेने में? सर, आपका जो 7.5 का अल्टरनेटर है किर्लोस्कर कंपनी का सबसे बेस्ट अल्टरनेटर है, वो आप ले सकते हो। ये अगले व्यूवर हमारे दुर्धन कुमार। 3 phase बनाकर दिखाएं। सर, मैं इस पर वीडियो आपको प्रैक्टिकल भी बनाऊंगा, पहले आप डायग्राम देखें ये समझे, फिर आपको प्रैक्टिकल की कम जरूरत पड़ेगी। ये अगले व्यूवर हमारे साहिल खान। साहिल खान, हाँ हम। सर, आप हमको अपना नंबर दीजिए, सर ज़रूरत है। सर, मेरा नंबर वीडियो के नीचे है और उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो आप देख सकते हो। ये अगले व्यूवर हमारे नीरज कुमार। सर, क्या डायनोमो में से एसी करंट निकल सकता है? सर, डायनोमो में तो एसी करंट निकलता है, आप कौन से करंट की बात कर रहे हैं मुझे एक बार कमेंट। ये अगले व्यूवर है हिमांशु पांडे। सर, थैंक यू बट कनेक्शन बोला 3 phase के। सर, 3 phase के कनेक्शन में डायग्राम दे रखा है, वो देख सकते हो और प्रैक्टिकल में ज़रूर दे।
ये अगले व्यूवर हमारे प्रदीप मेहरा सर, हमारा ये बताएं कि अल्टरनेटर में डायोड का क्या काम होता है। सर अल्टरनेटर में डायोड एसी से डीसी चेंज करता है, जो कि हमारा फील्ड चार्ज होने के बाद मोटी फील्ड को मैग्नेट बनाता है। अगले व्यूवर हमारे प्रकाश कश्यप सर, मोटा और पतला जरा तार डिटेल में बताएं ना। सर मोटा पतला में अगली वीडियो आने वाली है, उसमें बताया है, उसमें आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं, पूरी वीडियो देख लें। ये अगले व्यूवर हैं प्रवीण कुमार सर, समझ में नहीं आया। सर क्या समझ में नहीं आया आप उसके बारे में बताएं, मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको वीडियो बना के। ये अगले व्यूवर हैं हमारे अभय मेहता, पंकज जी हमें यह बताएं कि जनरेटर मोल्ड नहीं है, धुआं क्यों मार रहा है, लाइनर पिस्टन सब नया लगाया है फिर भी। सर आपका लाइनर पिस्टन सब ठीक है, नया लगाया है तो आपका बुश वाला या बैरिंग वाला, बैरिंग वाला है तो आप बैरिंग चेक करें, बैरिंग टाइट तो नहीं है, बुश वाला है तो बुश की तरफ से ला कर देखें, हाउजिंग गर्म तो नहीं हो रही। ये अगले भी बढ़े हैं राजेंद्र शर्मा, एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं कि उनकी कितनी माइलेज देते हैं। सर उसके ऊपर मैंने एक एलिमेंट के बारे में थोड़ा बताया है और इस पर एक डिटेल की वीडियो बना दूंगा कि कितने कितने नंबर में कितना माइलेज लेंगे लगभग। जी अगले व्यूवर हैं विजय कांति त्यागी, भाई एल्युमिनियम वाइंडिंग को कॉपर वाइंडिंग में रिवाइंडिंग करने हैं तो डाटा क्या होगा। सर आपको उसमें प्रॉब्लम क्या थी पहले और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसी डाटे को आप डाल सकते हो, उसमें आपका 3 गुना वजन हो जाएगा। ये अगले व्यूवर हैं संदीप कागरा, सर कनेक्शन सिखाओ। सर कनेक्शन की वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताओ कहाँ समझ में आया, मैं दोबारा समझाऊँगा। ये अगले व्यूवर हमारे रंजन कुमार कुशवाहा, 3 फेज का फुल डायग्राम बना कर बताएं। सर मैं पहले इसमें छोटी छोटी जो बातें हैं वो समझा देता हूँ, उसके बाद आपको फुल डायग्राम दे दूँगा। ये अगले व्यूवर हमारे प्रहलाद कुमार, पंकज जी एक लाइक योर ऑल वीडियो इम्पोर्टेंट। सर मैं वीडियो ऐसी बनाते रहूँ, आप ऐसे ही हमें कमेंट करते रहें। जी अगले व्यूवर हैं जगरूक सोकंद, 5 HP का लूवी की मोनोब्लॉक मोटर पे कितना केवी का जनरेटर चलेगा। सर मैंने आपको बताया है वीडियो में पिछली में भी कि कितना लोड पे कितना आपको लोड डालना है, जैसे आपका ये कम से कम 15 किलोवाट पे 5 किलोवाट चलेगी, क्योंकि ये 7.5 पे भी चल जाएगी, पर ये आप नहीं चला पाओगे तो आपका 10 का इंजन होगा उस पे भी चल जाएगी, पर आपके लिए 15 का सबसे बेस्ट रहेगा। ये अगले व्यूवर हमारे शिवतन राजा, सर 3 फेज चौक वाला अल्टरनेटर है, सिंगल फेज बनाना है के लिए फार्मूला बताएं। सर इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसको आपको वाइंड करना पड़ेगा तो आपका ये सिंगल फेज में हो जाएगा। ये अगले व्यूवर हैं हिमांशु पांडे, सर ट्रांसफार्मर वाइंडिंग मशीन की आइडिया दीजिए। सर मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, वो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये अगले व्यूवर हमारे स्टार इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, बहुत ही अच्छा वीडियो बनाते हैं सर आप। सर मेरा नंबर भी व्हाट्सएप में जोड़ लीजिए मेरा नंबर। तो सर मैंने आपका व्हाट्सएप में नंबर जोड़ दूंगा और आप इसी तरीके से कमेंट करते रहें और इसी तरीके से हम बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाते रहेंगे जो आपको अच्छी लगेगी, ठीक है ना। तो वीडियो को बस आप ये है कि जब आप देखते हो तो पूरी देखा करो, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और कभी भी कोई जनरेटर में दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप वीडियो देखते हो तो पूरी नहीं देखते हो कि आपको लगता है कि इतना समझ में आ गया, और साइड पर जाने के बाद आपको लगता है कि मैंने तो ये वीडियो देखी थी और ये तो ये फॉल्ट है, इसमें तो ऐसी कुछ था, वो आप वहाँ पर भूल जाते हो। तो इसका आप विशेष ध्यान रखो कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, और जो किसी के भाइयों के नाम में मिस्टेक हो इसके लिए सॉरी। और ये आज संडे कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट थे, और जो आप लोगों को कमेंट में अपने कमेंट भी लाने और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, तो आपके अगली बार कमेंट हम लेंगे, ठीक है जी। सब्सक्राइब करें पंकज धवानिया चैनल को, इस लाल बटन को दबा के।
और नई वीडियो पाने के लिए सबसे पहले मैसेज पाएं अपने मोबाइल पे इस बेल आइकन को दबा के।